शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट ने सेना सांसद राजन विचारे को लोकसभा में चीफ व्हिप बना दिया है। सांसदों के बगावत के संदेह के बीच ये कदम उठाया गया है। सेना सांसद संजय राउत ने एक पत्र लिखकर सांसद भावना गवली की जगह विचारे को नामित किया है। आपको बता दें कि भावना गवली वो सांसद हैं जो शिवसेना को बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए कह चुकी थी। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना के 18 सांसद जो हैं वो लोकसभा में हैं। इससे पहले शिंदे गुट के विधायक गुलाब राव पाटिल ने कहा था कि इन 18 सांसदों में से 12 शिंदे कैंप ज्वाइन करेंगे। शिवसेना ने लोकसभा में अपना चीफ बदल दिया है। भावना गवली की जगह राजन विचारे को इस पद पर नियुक्त किया गया। भावना गवली अगर बता दे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के समर्थन में पाई गई थी, और जिस तरीके से आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव है जिसमें ये साफ तौर पर देखने मिलेगा, क्योंकि शिंदे कैंप जो है वो जाहिर तौर पर बीजेपी के साथ जा चुका है और वो बीजेपी और कहीं ना कहीं एनडीए के प्रत्याशी मुर्मू को सपोर्ट करेंगे, और वहीं उद्धव कैंप की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन जो अब एमवीए में है और अपोजिशन के साथ है तो यशवंत सिन्हा के तरफ रहेगा। इसी के कारण, इसी के चलते चीफ व्हिप बदला गया है। और वहीं अगर गुलाबराव पाटिल जो कि बागी विधायक के बयान पर गौर करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधायकों के बाद अब सांसदों की बारी है। आपको बता दें 18 सांसद लोकसभा में शिवसेना के हैं, जिसमें से 12 सांसद शिंदे कैंप के संपर्क में है, ऐसा बयान गुलाबराव पाटिल ने दिया है। इसके बाद ही ये सारी खलबली मची है। और आपको बता दें राहुल शिवाले जो कि सांसद है शिवसेना से, उन्होंने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर ये साफ तौर पर कहा कि हमें एनडीए के कैंडिडेट मुर्मू जी को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये पूरी जो कवायद चल रही है शिंदे कैंप वर्सेस उद्धव कैंप, ये थमती नहीं नजर आ रही है। और अब अपना अगला दाव खेलते हुए शिवसेना ने लोकसभा में अपना चीफ व्हिप तक बदल डाला है।